डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास चैप्टर वन, आपका चैप्टर वन है, चैप्टर वन अकाउंट एनसी बात कर रहे हैं। अकाउंट एनसी, अकाउंट एनसी चैप्टर वन है आपका। हैबिटल है, हैबिटल है। चैप्टर टू हैबिटल है, ये भी आपको चैप्टर वन चैप्टर टू घर पर एक्सप्लेन करना है। कई बार क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन एंड आंसर मैं आपको टिक करवा दूंगा, ठीक है। बाकी में हमने पाई करेंगे कि चैप्टर वन चैप्टर टू की आपको जरूरी घर पर घर में करना है। तो प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर थ्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें देखिए आपके पास टोटल आपके अकाउंट में टोटल 17 चैप्टर है, टोटल 17 चैप्टर है। इसलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आपके इसमें, इसीलिए मैं चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट कर रहा हूँ, जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूँ। चैप्टर थ्री आपका है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। चैप्टर का नाम है चैप्टर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन चैप्टर का नाम है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है सौदे या लेन देन। आपने आपके अकाउंट में क्या क्या लेन देन की, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार व्यवसाय। आपने अपने लेन देन कहाँ पर रिकॉर्ड किए, इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन लेन देन, क्या क्या अपने लेन देन किए, अपने कहाँ कहाँ पर इसकी एंट्री है। एग्जाम्पल नंबर वन, सबसे पहले आपकी बुक में मैंने आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताया था। असेट्स और लाइबिलिटीज, असेट्स एंड लाइबिलिटीज से बन जाता है। देखिए आपके इसमें आपको पेज नंबर 3.9 में असेट्स से का पूरा प्रारूप दे रखा है, फॉर्मेट दे रखा है 3.9 में, और 3.10 में आपको लाइबिलिटीज दे रखी है। असेट्स देखिए, आपको असेट्स मालूम होना चाहिए कि आपके असेट्स क्या है। असेट्स मीन्स क्या होता है, संपत्ति होता है, आपकी संपत्ति क्या क्या है। लाइबिलिटी मीन्स दायित्व होता है, आपके दायित्व क्या क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए असेट्स, असेट्स की पूरी लिस्ट दे रखी है आपके सामने। यहाँ पर देखिए कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, बिल्डिंग। इसके बाद जस्ट नीचे आपको लाइबिलिटीज दे रखी है, यहाँ पर है ना, लाइबिलिटीज का भी पूरा फॉर्मेट दे रखा है आपको। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में सैलरी, वेजेस, रेंट है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट लोन, सारे डिबेंचर वगैरह सब दे रखी है आपकी लाइबिलिटीज। असेट्स हो गई आपकी लाइबिलिटीज, आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। आपको याद रहना चाहिए कि असेट्स क्या होती है, आपकी लाइबिलिटीज क्या होती है। एग्जाम्पल नंबर वन देखते हैं, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल नंबर वन पेज नंबर 3.16 पर है, 3.16, ठीक है। सबसे पहले देखिए कैलकुलेशन ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, आपको क्या कैलकुलेशन करना है, असेट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। क्वेश्चन एग्जांपल आपको दे रखा है कि
ए बिजनेस हैज कैपिटल वर्थ रुपीज 20,000। मतलब आपके पास देखिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपके पास में बिजनेस हैज कैपिटल वर्थ आपकी कैपिटल दे रखी 20,000 रुपीज एंड लायबिलिटीज वर्थ 30,000 रुपीज। फाइंड आउट द टोटल असेट्स, आपको क्या फाइंड करना है, टोटल असेट्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन आप टोटल असेट्स क्या फाइंड कर लो, आप टोटल असेट्स कैलकुलेटर आप टोटल असेट्स आप असेट्स फाइंड कर लो। इसका फार्मूला है, फार्मूला बता रहा है, एक फार्मूले से सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं कि एक या दो फार्मूले। फर्स्ट फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले जो भी आपको फाइंड करना हो आपको यहाँ सोल्व लिखना है, आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सोल्व लिखना है आपको, ठीक है। जो भी आपको कैलकुलेशन करना, जो भी फाइंड करना, आपको टोटल असेट फाइंड करना हो यहाँ पर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स, ठीक है। इसका फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला इसका ये, ठीक है, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन देख चेक करते हैं, क्वेश्चन में आपको कहा है कि इफ ये बिजनेस हैज कैपिटल वर्थ 20,000 एंड लायबिलिटीज वर्थ 30,000 दे रखी है, फाइंड आउट द टोटल असेट्स, क्या फाइंड करना है आपको, टोटल असेट्स फाइंड करना है आपको, टोटल असेट्स निकालना है कि टोटल असेट्स कितनी है, इसको तो निकालना ही है। क्वेश्चन ये लिखेंगे टोटल असेट्स इक्वल टू, आपको देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको कैपिटल आपकी दे रखी है 20,000, आपके पास टोटल कैपिटल है, यहाँ पर क्या रहेगा टोटल कैपिटल में आपको 20,000 कैपिटल होगा प्लस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज आपको दे रखी है लायबिलिटीज वर्थ 30,000 रुपीज, टोटल लायबिलिटीज आप कितनी है 30,000, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, टोटल असेट फाइंड करना, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स इज इक्वल टू 20,000, कितना हो जाएगा 50,000, ये आपकी क्या है टोटल असेट्स है, ठीक है, ओके। इसके जस्ट बाय कवर डू देते हैं, टोटल असेट्स आपके बिजनेस रुपीज 260,000, मतलब टोटल असेट्स आपको दे रखी है बिजनेस 260,000, मतलब 260,000 रुपये आपकी टोटल असेट्स दे रखी है आपको एंड नेट वर्थ इज रुपीज 160,000, मतलब आपको नेट वर्थ दे रखी है, नेट वर्थ मतलब होता है शुद्ध मूल्य, नेट वर्थ क्या मतलब होता है, नेट का मतलब होता है शुद्ध मूल्य, शुद्ध मूल्य हमेशा एक कैपिटल इंक्लूड रहता है, वहाँ पर रहता है कैपिटल इंक्लूड रहता है, आपको कैपिटल में इसको जो भी अमाउंट है उसको कैपिटल में आपको शो करना है, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन के अंदर आपको जो फाइंड करना है उसको कैलकुलेशन आप लिख देना, जैसे फाइंड करना है यहाँ पर कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्या फाइंड करना है आपको, क्रेडिटर्स फाइंड करना है, कैलकुलेशन आप अपने यहाँ पर टोटल असेट्स फाइंड करना है, अब क्या फाइंड करना है आपको, क्रेडिटर्स फाइंड करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स फाइंड करना है, फार्मूला वही आपका टोटल असेट्स, टोटल टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल प्लस टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज यहाँ पर फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर आपको आपकी टोटल असेट्स से बिजनेस 260,000 टोटल असेट्स देने की आपको
अब यानी कि गुलाब साठ हजार, यह क्या हो गया टोटल असेट्स। नेक्स्ट आपको कहा गया है एंड नेट वर्थ इज रुपीज 1,60,000, आपको नेट वर्थ दे रखी है 1,60,000 जो टोटल कैपिटल में इंक्लूड है। मैंने अभी कहा कि नेट वर्थ शुद्ध मूल्य होता है, जो टोटल कैपिटल में इंक्लूड रहती है तो आपको हमेशा नेट वर्थ आएगा, आपको कैपिटल मानना है, क्या मानना है कैपिटल मानना है। 1,60,000 रुपये नेट वर्थ दे रखी है आपको 1,60,000 रुपये। आपको क्या फाइंड करना है क्रेडिटर्स फाइंड करना है, मैंने अभी आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताया था कि आपको असेट्स एंड लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज में हमेशा क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आते हैं, काम में आते हैं लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स आते हैं ना, प्लस टोटल लाइबिलिटीज बताओ क्रेडिटर्स फाइन करना है, मतलब टोटल लाइबिलिटीज आपको फाइन करना है ना, तो प्लस क्रेडिटर्स हो गए, तो क्या है क्रेडिटर्स ये फाइन करना है। लाइबिलिटीज मीन क्रेडिटर्स नहीं आता, लाइबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिटर्स, ठीक है, तो आपको क्या बैठना है क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स फाइन करना है। आप अमाउंट दे 2,60,000 रुपये असेट्स है और उधर 1,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये 2,60,000 कटू कर ये जरा माइनस हो जाएगा 1,60,000 रुपये माइनस हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या फाइन करना है आपके यहाँ पर क्रेडिटर्स फाइन करना, 2,60,000 माइनस 1,60,000 माइनस किया क्या बचा 1,00,000, ये आपकी क्या हो गए क्रेडिटर्स, क्या हो गए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स इक्वल टू 1,00,000 रुपये क्रेडिटर्स आपका आंसर है। आपको क्या फाइन करना था क्रेडिटर्स जो आपने फाइन करना क्रेडिटर्स। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर ये आपके पास में पेज नंबर 3.31 पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्या फाइंड करना है आपको कैपिटल फाइंड करना, फाइंड आउट ऑफ कैपिटल फ्रॉम इंफॉर्मेशन, आपको कैपिटल फाइंड करना है ना, सोल्व कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, क्या फाइंड करना है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन के अंदर आपको वही फार्मूला सेम फार्मूला यूज करना है आपको ना, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज का। क्वेश्चन के अंदर आपको टोटल असेट्स दे रखी है 1,50,000 रुपये दे रखी, टोटल असेट्स आपके पास में 1,50,000 रुपीज, ये अपने काम हो गई टोटल असेट्स में 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट कहा गया आपको कैपिटल आपको फाइंड करना है, टोटल कैपिटल वैसे ही सोचिए आपने टोटल कैपिटल फाइंड करना है प्लस टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, टू टाइप्स क्रेडिटर्स यहाँ पर, एक गुड्स 90,000 रुपये का गुड्स क्रेडिटर्स से गुड्स मीन्स माल होता है, क्रेडिटर्स लेनदार होता है लेनदार के लिए माल, 90,000 रुपये के लेनदार के लिए माल है क्रेडिटर्स और गुड्स, गुड्स किसके लिए था क्रेडिटर्स के लिए। सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस, उन्होंने क्या करा कि लेनदारों के लिए खर्चा भी किया हुआ है, क्रेडिट फॉर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस मतलब वे होता है खर्चा होता है,
उन्होंने खर्चा भी किया हुआ है यहाँ पर टू टाइप्स के, और क्रेडिटर्स हमें से किसने आते हैं, टोटल लाइबिलिटीज में आते हैं। तो क्रेडिटर्स टू टाइप्स हैं, एक तो गुड्स, गुड्स के 90,000 होते हैं, प्लस एक्सपेंसेस किया 15,000 एक्सपेंसेस 15,000 प्लस ए किया 1,50,000 1,50,000 टोटल कैपिटल। अब तो फाइन करना है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल प्लस 90,000 प्लस 15,000 ओनली 5,000 टोटल ये होंगे कितना 5,000 ठीक। 1,50,000 प्लस ही क्या है क्या माइनस में क्या 5,000 रुपये 1,05,000 क्या माइनस में टोटल कैपिटल, टोटल 1,50,000 रुपये क्या 5 माइनस किया 45,000 ये तो क्या है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 45,000 ये आपका आंसर है। इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर टू आपको दे रखा हुआ है, इफ द टोटल असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर वर्थ 1,30,000 मतलब आपके पास टोटल असेट्स दे रखी है 1,30,000 रुपये है ना। क्वेश्चन नंबर टू आपके होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर टू टूडे होमवर्क, क्वेश्चन नंबर टू होमवर्क, क्वेश्चन इफ द टोटल असेट्स ऑफ ए बिजनेस आर वर्थ 1,30,000 मतलब टोटल असेट्स आपको दे रखी है 1,30,000 रुपये। नेक्स्ट कहा गया आपको कि नेट वर्थ इज 80,000 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फाइंड करना है, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है क्रेडिटर्स फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है क्रेडिटर्स फाइंड करना है, क्रेडिटर्स फाइंड करना है ठीक है। यहाँ कैपिटल कितना क्या होगा क्रेडिटर्स, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स, उसके बाद आपको यही फार्मूला लगाना है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज, नेट वर्थ का मतलब होता है नेट वर्थ में आपको टोटल कैपिटल होता है, वहाँ पर आपको टोटल कैपिटल नेट वर्थ आपको वहाँ पर शो करना है, आपको क्या फाइंड करना है क्रेडिटर्स तो आपको फाइंड करना है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर थ्री में आपको पेज नंबर 359 असेट्स दे रही है आपको और 3.8 लाइबिलिटीज दे रही है, क्या दे रही है लाइबिलिटीज, ये भी आपके लिए ऊपर में आपको ये सारे असेट्स लर्न करना है, लाइबिलिटीज लर्न करना है क्वेश्चन नंबर टू आपको लर्न करना है, और आपको असेट्स मालूम है कि आपके असेट्स क्या क्या है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, आपको लाइबिलिटीज पता है आप आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो ठीक है। ये आपके लिए आपको असेट्स फाइंड करना है
लाइन में सर।